बाबा मेरी बाह पकड़ना 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 बाबा मेरी रक्षा करना बाबा मेरी रक्षा तुम ही तो हमारे हो प्रभु जी तुम बड़े
जी तुम बड़े प्यारे हो। अमितवाणी पुस्तक आप इसीलिए अपने हाथ में रखते हैं, उसे देख के पढ़ें। जिनको इधर उधर देखने की बुरी आदत है उनकी ये आदत छूट है। इधर उधर देखने वाले कभी एकाग्रचित नहीं हो सकेंगे, कभी उनका मन एकाग्र नहीं हो सकेगा। तो कितना आसान साधन है, आपने सामने पुस्तक रखी हुई है उसे देख देख के आप 35 मिनट के लिए एकाग्र मन रहते हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं। मेहरबानी करके पुस्तक की ओर ही देखा कीजिएगा, इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं। ये कोई बुद्धिमता नहीं, ये कोई भलाई का काम नहीं। चर्चा चल रही थी बिन शरणागति बिन पूर्ण समर्पण किसी को भी शांति नहीं मिल सकती। समर्पण शरणागति अर्थात परमात्मा की परम इच्छा को सहज शिरोधार्य करना। जीवन में अशांति है तनिक भी तो समझ लेना चाहिए कि अभी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना नहीं सीखा। अभी अपनी इच्छा है जो हम परमात्मा से मनवाना चाहते हैं, तो ये अशांति इच्छा देगी, ये तनाव उदासी दुख देने वाली चीज। हां, आप परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन ये अपेक्षा कि आपकी इच्छा के अनुसार ही परमात्मा करे ये दुखदायी है। ये आपको उदासी देगी, तनाव देगी। इसी जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो, जब हम चाहते हैं वैसा ही हो, ये अपनी इच्छा मनवाने के ढंग। ऐसा व्यक्ति शरणागत नहीं कहा जाता, समर्पित नहीं कहा जाता। सदा अशांत रहेगा, दुखी रहेगा, उदास रहेगा, उसके मन की नहीं हो रही। और उसने परमात्मा की इच्छा के अनुसार चलना सीखा नहीं अभी तक। परमात्मा की इच्छा को सहज शिरोधार्य करना अभी तक सीखा नहीं, मन समर्पित नहीं हुआ है। वह अभी परमात्मा की शरणागत नहीं हुआ है। जब ये कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति समर्पित हो गया हुआ है, शरणागत हो गया है, तो इसका अर्थ यूं मानिएगा कि आज के बाद उसकी अपनी इच्छा कोई नहीं रही। उसकी सारी की सारी इच्छाएं वही इच्छाएं हैं जो परमात्मा की इच्छाएं हैं। सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन करने में बहुत कठिन है। जो कर गया वह बिल्कुल वैसा हो गया जैसे एक बूंद या नदी सागर में प्रविष्ट करके तो सागर बन जाती है। उसके अपने चिन्ह, उसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। अपने इस चिन्ह को, अपने अस्तित्व को खत्म करना ही समर्पण कहा जाता है। अस्तित्व क्या है? इच्छाओं का पुंज। जब अपनी इच्छा कोई नहीं रही, एक परमात्मा की इच्छा ही कार्यरत है, सत्य भी यही है। शांति क्यों मिलती है? इसलिए कि आप सत्य के समीप बने। जैसे जैसे आप सत्य के समीप जाते हैं तो आपको शांति, परम शांति, परमानंद की प्राप्ति होने लग जाती है। जितना सत्य से दूर उतना असत्य के पास, उतना दुख, उतनी अशांति, उतना तनाव, ये सब कुछ बना रहेगा। कुल्लू से आप ऊपर जैसे ही निकलते हैं मनाली की तरफ,
तरफ तो आपको नीचे में और ऊपर में अंतर दिखाई देना शुरू हो जाता है, यहां ठंडक शुरू हो जाती है और ऊपर की ओर जाएं तो और अधिक ठंडक महसूस होने लग जाती है। जैसे जैसे आप सत्य के निकटतम होते जाते हैं, तैसे तैसे आपके जीवन में शांति, परम शांति, परम सुख एवं परमानंद की प्राप्ति के चिन्ह प्रत्यक्ष प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। कल एक महर्षि, महानतम महर्षि की बात चल रही थी। हर वर्ष जिनके